47 is added to the product of 71 and an unknown number. Okay. The new number is divisible by 7 giving the quotient 98. The unknown number is a multiple of. देखिए हमें क्या बोला है 71 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करा x से जो अननोन नंबर है ना उसे मान लो आप x ये जो अननोन नंबर है ये क्या है x 71 को x से मल्टीप्लाई करा और इसमें क्या ऐड करा 47 अब जो रिजल्ट आया The new number is divisible by 7, giving the quotient 98. मतलब जो नया नंबर है वो क्या है वो है 7 × 98. यहाँ तक आई होप क्लियर होगा 7 × 98. बस अब ये वैल्यू सिंपलीफाई करनी है हमें. यहाँ से कितना आ जाएगा 71x is equal to 7 × 98. ये वर्बली हो जाएगा कैसे 696 आंसर आएगा ये. अगर मैं लिखता 7 × 100 तो आता 700. फिर ये 98 क्या दो कम है तो 7 बार 2 7 टाइम्स 2 कम करोगे तो 14 कम हो जाएगा दैट विल बी 696 माइनस 47 यहां से आ गया 71x अब इसमें से सीधा-सीधा देखो मान लो मैं 50 कम करूंगा तो आएगा 646 इसको लिख दो 649 ठीक है यहां तक x के आ गया x हो गया 649 अपॉन में 71 स्टूडेंट्स एक गलती कर दी 600 700 में से 12 14 माइनस करेंगे 686 आएगा मैंने बोल गलती है ये ठीक है तो ये 636